So hello everyone, welcome to Aditya. So guys, a few days back I was just getting a call from a student और उनका एक बहुत ही common doubt था. He was asking me about can I prepare current affairs for the RPTB examination on my own. And when I was talking to him, I just came to a thought कि it's not just his single query. आप में से काफी students ऐसे होंगे जिनके मन में ये doubt आता होगा कि क्या मैं current affairs को अपने आप पे prepare कर सकता हूँ. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कोई भी कोर्स ना ले सके और उससे काफी रीजंस हो सकते हैं. उन रीजंस पे नहीं जाऊंगा, इट कुड बी मेनी रीजंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनके लिए क्या है, अगर वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या 60 प्लस मार्क्स लाने पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल. क्योंकि एक चीज हमेशा समझिए, आपने काफी टॉपर्स इंटरव्यू सुने हैं और उन टॉपर्स इंटरव्यू में कई बच्चों ने अपने आप में आपको बताया है कि उन्होंने सेल्फ प्रिपेयर किया था एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दिस आरबी एग्जामिनेशन और आज वो आरबी ग्रेडिंग मैनेजर भी बन चुके हैं. तो इसके लिए सबसे पहले चीज आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना गाइस, तो आप आधी जंग तो जीत चुके हो. तो सबसे पहले अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और पॉजिटिविटी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो. बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे इंपॉर्टेंट की क्या होती है, प्रेपरेशन. तो आज की इस वीडियो में इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स ऑन योर ओन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आज एक राइट वीडियो देखने आए जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, एक किस मेथड से मुझे पहले सेल्फ प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है, फिर मुझे क्या चीजों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितने महीनों का पढ़ना है, और एट द एंड अगर मुझे रिविजन करनी है तो मुझे क्या करना है, वो सब हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे. बट आपको एक अश्योरिटी देनी है कि ये वीडियो आप एंड तक देखोगे, ठीक है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर विच द स्टूडेंट इज जनरली लुकिंग फॉर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट आरबीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज द प्रॉपर चैप्टर गिवन ऑन द रिक्रूटमेंट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एज रिलैक्सेशन, देन इज द सिलेबस ऑफ फेज वन फेज टू, sources to be covered and for how many months you need to cover those sources. At the end guys, there is a 6-step domination strategy given here which could really help you guys. Agar aap self prepare karo to strategy to pata hona chahiye na, to wo strategy aap is guidebook ko download kar lo jo ki bilkul free hai aur aapko ek proper structure mil jayega, this is how I can prepare on my own. So sabse pehle self preparation, ab udhar jab self confidence aapne aa chuka hai, sabse pehle start karte hain pehli cheez se. तो गाइस द फर्स्ट थिंग इज, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अपने आप पे, यू हैव टू एनालाइज द पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज ऑफ एट लीस्ट 3 इयर्स नीड्स टू बी एनालाइज. अगर पिछले 3 साल के पेपर एनालाइज नहीं करें तो गलती है यार, बिना एनालाइजेशन के तो कुछ नहीं होगा. एनालाइज द पेपर ऑफ पास्ट 3 इयर्स ऑन प्रायोरिटी और अंडरस्टैंड द सिलेबस. सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप में से काफी बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर सिलेबस क्या, करंट अफेयर्स का सिलेबस भी दिया है आरबीआई ने? तो गाइस आरबीआई में कुछ टॉपिक्स क्लियरली डिफाइंड है. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दी नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई, तो आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस पता है, वही चीज तो करंट अफेयर्स में भी यूज होगी. फॉर एग्जांपल आरबीआई के फंक्शन, तो अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लॉन्च करता है तो वो भी तो उसका फंक्शन ही है ना, तो वो चीज आप यहाँ से पढ़ोगे. आरबीआई के फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट कर रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट आती है तो ये आपको पता होनी चाहिए, दैट यू नीड टू प्रिपेयर. फिर आपको ये सिलेबस जो है बाय हार्ट होना चाहिए. दिस इज फर्स्ट थिंग. पहली चीज आपको मुझे क्या प्रॉमिस करनी है कि ये सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है. अब आते हैं आपका सेकंड टॉपिक, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट ना, उन्होंने मुझे बोला कि सर स्कीम्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं. तो यार आपका आंसर यहां रहा, मैंने उनको भी सेम चीज समझाई थी कि सिलेबस को याद करो पहले, सब भूल जाओ, सबसे पहले किस चीज को याद करो, ये आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए. इट शुड बी देयर इन योर माइंड कि आपको ये सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए. तो यही तो आता है, क्या आता है आपको, WTO की रिपोर्ट आ जाएगी, सोशल जस्टिस स्माइल स्कीम पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सोशल सेक्टर हेल्थ पे, आयुष्मान भारत, एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान, यही से तो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है. अब पेपर एनालाइजेशन की किस तरह कर सकते हो, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ. जो इस साल का पेपर हमने एनालाइज किया था, तो इस तरह से आपको पेपर एनालाइज करना है, कितने मार्क्स का करंट अफेयर्स आया, 66 मार्क्स का, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए. तो देखो इस तरह से मैंने आपके सिलेबस में डिवाइड कर लिया कि मैंने पूरा पेपर देखा, डिवाइड किए क्वेश्चंस
और इस हिसाब से मैंने मेरा एक पहला स्टेप, ठीक है। अब यहां से क्या एक चीज याद रखना यार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नोट्स बना रहे हो एंड यू आर वर्किंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डू नॉट हैव अ सेपरेट स्ट्रेटजी, बिकॉज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो। मैंने आपको सिलेबस दिखाया है और ये सेम क्वेश्चंस आपके फेस टू और फेस वन दोनों में ही आते हैं, दैट इज बैंकिंग एंड ईएस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो फर्स्ट थिंग इज इंटीग्रेटेडली आपको चीज को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अगर मैं फेस टू का भी एक एनालिसिस बता देता हूँ, PSI करंट अफेयर डोमिनेटेड है, तो यहाँ पे मैंने उसको भी शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है जी। फिर मैंने फेस टू की बात करता हूँ, FM की बात करता हूँ, तो FM भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इस तरह से आपको पेपर को एनालाइज करना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ नॉट ओनली द सब्जेक्टिव पेपर, यू हैव टू एनालाइज द डिस्क्रिप्टिव पेपर हियर आल्सो, सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दे आर आल्सो बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। अब ये तो हो गया जी पहला पॉइंट कि मुझे एनालाइज करना है, मुझे सिलेबस तैयार करना है, ये पहला पॉइंट। एनालाइजेशन किस तरह करनी है मैंने आपको भी बता दिया है इन द प्रीवियस स्लाइड्स, हाउ टू एनालाइज दिस एग्जामिनेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ नाउ मेकिंग अ नोट, बिकॉज़ यू हैव एनालाइज्ड द पेपर, नाउ यू विल बी मेकिंग योर ओन नोट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हियर इज गाइस, मेक द नोट्स इन इंटीग्रेटेड मैनर, व्हिच मींस देयर शुड नॉट बी अ सेपरेट नोट्स फॉर फेस 1 एंड सेपरेट नोट्स फॉर फेस 2, दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड, बिकॉज़ इफ यू आर कवरिंग समथिंग you should be able to understand ke ye cheez phase 2 mein bhi puchi ja sakti hai, same thing can be asked in phase 1 of the examination also. I just give you an example, I divide the current affairs into 3 parts. maine aapko abhi bataya hai just a few seconds earlier that integrated preparation is must, you can see the example here also, banking and finance, economic and social issues, general awareness, how I came to so sure on that, look at the thing here. now when you are reading any newspaper, the thing that you need to highlight here is बैंक एंड फाइनेंस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आरबी वेबसाइट इफ यू आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबी एग्जामिनेशन, सो यू शुड बी एबल टू रीड अबाउट आरबी नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज एंड रिपोर्ट्स। अब क्यों मैंने बोला एनालाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग दीज थिंग्स, पेपर के लिए रेलिवेंट क्या है वो कहां से पता चलेगा, एनालाइजेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एनालाइजेशन करोगे ही नहीं तो कुछ भी पढ़ने बैठ जाओगे, फायदा ही कोई नहीं होगा। देन इज द नेक्स्ट थिंग, कमिटीज रिलेटेड टू बैंक, बैंक मर्जर्स, club this news, then club this news, and the most important thing, why syllabus is important, why syllabus should be by heart, because if you look at the last part, it is general current affairs related to syllabus, and the syllabus is given in our notification. similarly when I talk about ES also, अब आप डिवाइड कर लोगे कि कोई स्कीम से क्वेश्चन ESI में तो क्या आते हैं, ESI पेपर टू में स्कीम से क्वेश्चन आते, तो क्या स्कीम से क्वेश्चन फेस वन में नहीं आते, आते हैं, अभी तो देखा पीछे, तो वो भी आते हैं। Reports, current affairs, ready to again a syllabus. Now is the most important thing, when you are reading government slips, किस तरह उसको पढ़ना है, मैंने बोला ना अब हमने डिस्कस कर लिया कहां से स्टार्ट करना और क्या पढ़ना पता चल गया। अब आते हैं जी गवर्नमेंट स्कीम। जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम को रीड कर रहे हो, इफ इट इज इन न्यूज, ठीक है, especially the schemes that are getting updated, अपडेट हुआ है, प्रॉपर आर्टिकल आया है, तो दीज आर द dimensions which you should always see in a scheme. Scheme, nodal ministry कौन सी है, तो कौन से eligible beneficiaries हैं, target क्या है, objective क्या है, aim क्या है, क्या उस scheme में कोई current development तो नहीं हुई है, recently budget release हुआ है, तो budget allocation वाला point आपको पता होना चाहिए। And guys, if you are preparing for the examination, you should have an idea about the taglines also, because taglines of the schemes are also being asked in the examination. So this is the way you have to read a scheme. Now let me talk about reports. तो अगर reports की बात करूँ, तो रिपोर्ट्स में आपको ये चीजें याद रखनी है, बिकॉज इफ यू लुक एट द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, बार बार बोल रहा हूँ एनालाइजेशन मस्ट है, मैंने भी जितनी चीजें यहाँ पे लेके आया बेस्ड ऑन द एनालाइजेशन है, तो ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, अबाउट द रिपोर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, बट टू रीड इन अबाउट द रिपोर्ट्स इज थिंग्स लाइक पैरामीटर ऑफ अ रिपोर्ट, दैट इज वन ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, देन इज योर edition of the report, that which edition is being talked about, so these are the two things we read in about the report. Then if it is a global report, ठीक है, ranking क्या है, India specific ranking क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, global and India specific. Similarly key findings also should be remembered about global and India specific. Now coming to this thing, recommendations, whether you have to read recommendation of each and every report, answer is no. अगर आप खुद notes बना रहे हो तो हर एक report की recommendation नहीं बनानी, पेपर एनालाइज किया हुआ है तो पता है कि यार ये रिपोर्ट है जो फेस टू के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, OECD की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट,
रिपोर्ट्स पे हमें जनरली बनाने हैं, रिकमेंडेशंस पे कुछ, हर रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थोड़ा ना बनानी है। तो ये एक पॉइंट कहां से याद है, फिर दोबारा एनालाइजेशन। तो याद रखो हर चीज का बेस क्या है, एनालाइजेशन इज द बेस। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट इज जनरल अवेयरनेस। अब यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। आपने कोई भी न्यूज़पेपर खोलना है तो इस चीजों को तो आप प्रिंट आउट करके निकालो जो मैंने आपको अभी बताई, ये चीजों पे आपको न्यूज को शॉर्टलिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज, इफ समथिंग इज टेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको उस न्यूज को हाईलाइट करना है। साथ के साथ नोट्स मत बनाओ, उसको हाईलाइट करो, ठीक है, एक दो जगह न्यूज़पेपर में वालों कहां आप लोग, फिर उसको क्लब करके न्यूज बनाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस एक बार देखा बनाना शुरू करते, पहले पूरा न्यूज़पेपर रीड करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन योर ओन, ना फर्स्ट रीड अ न्यूज़पेपर, हाईलाइट द न्यूज एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू द होल न्यूज़पेपर स्टार्ट द न्यूज। तो ये इस तरह करते हैं, पहले फर्स्ट न्यूज वाली न्यूज देख ली, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखे, एग्रीमेंट्स तो नहीं हुआ, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक्निकल न्यूज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल submission is their news, something related to space is their news, तो वो आपको याद करनी है। space के लिए important है, defense exercises, environment, sports related event, pro kabaddi, recently ICC under 19 world cup has taken place, so you should be able to know about ICC under 19 world cup, inaugural edition has taken place, captain कौन है, Shefali Verma है, ठीक है, इंडिया ने किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है, then the point to remember is player of the tournament कौन था, Chris Stevens थी, इंग्लैंड की captain थी। तो इट इज नॉट जस्ट सिंपल थिंग, यू शुड बी एबल टू नो बेस्ड ऑन द एनालिसिस क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर अवार्ड्स हो गए, डेज इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस, प्लेयर्स, अपॉइंटमेंट, पर्सन एंड मिसलेनियस, दिस इज द टॉपिक्स व्हिच यू नीड टू स्टार्ट विद। तो अब हमें हो गया हमें क्या पढ़ना है, इसका क्लैरिटी क्यों। अब आते हैं दूसरी चीज, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस टू प्राइम न्यूज पेपर्स विच वी ऑलवेज रिकमेंड टू अवर स्टूडेंट इज PIB एंड हिंदू, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स, बिकॉज If we analyze the paper, तो around 70 to 75% paper जो है वो आपका PIB और हिंदू में से ही आता है in the examination, where PIB is a very important source, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दिया है सबसे पहले इस न्यूज पेपर को खोलना कैसे है, रीड करना है, तो कैसे करना है मैंने अभी बताया, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई है ना सारी की सारी dimensions, you have to pick these dimensions when you are following this newspaper, ठीक है। अब मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर मैं बोलूँ जैसे मैंने बोला 70% पेपर रिसेंट पेपर में आया है, तो ये एनालिसिस आपके पास होना चाहिए पिछले तीन साल का, PIB हिंदू खोला, नंबर कितने कितने क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी द थिंग दैट यू नीड टू डू, ठीक है। अब देखो PIB में से क्वेश्चन मैंने आपको बोला, यू कैन सी द क्वेश्चन, ठीक है, जो PIB में से आए हैं, क्वेश्चन आए हैं हिंदू में से, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे क्वेश्चन हिंदू में से आया है, साइक्लोन सानी, एनवायरमेंट न्यूज, तो इस तरह करके आपको न्यूज को हाईलाइट करना है। अगर मैं इस न्यूज की सिंपल बात करूं, EMI को राइज एज RBI हाइक्स रेपो रेट, सो इन आवर सिलेबस वी नो, अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, वहां पे रेपो रेट की बात की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, सो वी विल रीड दिस न्यूज, वी विल हाईलाइट दिस न्यूज एंड स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज, नोट्स बनाएंगे। उड़ीसा में साइक्लोन आया आसानी, साइक्लोन आसानी नेम इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक दैट न्यूज एंड देन स्टार्ट मेकिंग द न्यूज। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, पर पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। फेज टू में मैं अगर बोलू सेम चीज है, ठीक है, अब जैसे कि आप स्कीम पढ़ रहे हो, तो आई टेल यू द थिंग, मैं जो आपको अभी बता रहा था कि नोट्स इंडिकेटेडली क्यों बनानी है, जरूरी तो नहीं है, दिस इज द थिंग ऑन सेल्टर स्कीम्स, यू विल इफ यू मेक ऑल दिस नोट्स, जो डायमेंशन मैंने आपको अभी बताई है थोड़े टाइम पहले, वही तो डायमेंशन है यहाँ पे, मेडिकल सपोर्ट की फिर जिसकी बात की गई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कीम हैज बीन डिस्कस हियर, बजट एलोकेशन हैज बीन डिस्कस हियर, और द स्कीम हैज रिसेंटली बीन लॉन्च, टेन्योर ऑफ द स्कीम हैज बीन डिस्कस हियर, वही डायमेंशंस तो आप फेस वन के लिए बना रहे हो, वही सेम डायमेंशंस आपको फेस टू में भी हेल्प करेंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेडली मेकिंग नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया जस्ट बिफोर दिस स्लाइड। ओके, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर मेकिंग नोट्स गाइस, व्हाट इज द टाइमलाइन यू मेकिंग, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग। सो फॉर फेस वन पास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स के आप नोट्स बनाइए, दैट इज मोर देन इनफ, एंड फॉर फेस टू इट शुड बी पास्ट 8 मंथ्स, दिस इज द टाइमलाइन यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप You are preparing for the examination of let's say 2025 and you start making current affairs notes now. It will be of no use now. At this point of time, you will not use it. This is the foremost thing. That time, somewhere else, analyze it. And current affairs, you will make so many times notes. They will be more than sufficient for the examination. So if I see you here, your examination was on 29th of May. You can see here.
क्वेश्चंस फ्रॉम मार्च वर देयर, रीसेंट एग्जाम्पल रीसेंट मंथ्स आर आल्सो देयर, ठीक है। अब मैं फेज 2 की बात करता हूं, सेम क्वेश्चन आई एम सेइंग टू यू, पेपर वाज इन द मंथ ऑफ जून, यू कैन सी 11th ऑफ फेब दिस थिंग वाज सीन इन न्यूज़ इन पीआई, ठीक है जी। अब कब तक के नोट्स बनाने हैं, इट शुड बी 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड यू हैव टू मेक नोट्स टिल 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। नाउ वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, क्या पढ़ना था, कहां से पढ़ना है, अब आता है कितना पढ़ना, ये भी डिस्कस कर लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने पढ़ तो लिया, नोट्स आप बना लोगे, अब इसके बाद एक गुणबान दे रहा हूं, विच इज द कोर ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन इज गाइस प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड लॉट ऑफ एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस, उसके लिए आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो यूट्यूब, यू कैन फॉलो एनी एमसीक्यूज, लॉट एंड लॉट ऑफ एमसीक्यूज आर देयर ऑन द इंटरनेट, फॉलो दीज एमसीक्यूज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यूज आपको वो सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन नीड को मीट करें, इफ दे आर नॉट मीटिंग योर एग्जामिनेशन नीड यू शुड नॉट गो ऑन दोस साइड्स, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, सो इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स ना बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स यू हैव एनालाइज्ड द पेपर एंड यू स्टार्ट रीडिंग दिस वंस, टेक देम एज अ मेक देम एज अ बॉर्डर एंड स्टार्ट यूजिंग देम इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब कर लोगे, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आई एम रियली सॉरी गाइस, तो जितना हमने पढ़ा था सारा गुड़गोबर हो जाएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज टू अस, प्रैक्टिस इज द की है, बिकॉज वी ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर एंड इट विल हेल्प यू इन अचीविंग द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईआईटी ग्रेजुएट, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन अ सेल्फ प्रिपरेशन मोड, so tell me in the comment box that first of all sir we will rock this examination with our self preparation and self confidence, so ye comments mujhe dikhne chahiye in the comment box taki ek josh aapke mann mein bhi aaye aur mere mann mein bhi aaye ki yaar maine aapko right way pe guide kiya, theek hai, to ek hi cheez likhni hai, self confidence self preparation, I will rock this examination and I hope ke aap se jitne bhi bacche self prepare kar rahe hain they got into know ki kya kya cheeze unko follow karni hai, किस स्ट्रक्चर में फॉलो करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आप जा रहे हो कि हाँ मैं ये एग्जाम को क्रैक कर लूंगा बहुत आराम से, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, और कभी भी किसी भी टाइम पे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घबराना, जस्ट drop me an email at hello@arutab.co.in or just have a call with me on 8146207241. I am always there for you. कुछ भी doubt है call कर लो, उसको resolve करेंगे और आपका paper clear करवा के रखेंगे. Bye bye.